हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो बस धीरे धीरे करके माहौल थोड़ा अच्छा हो रहा है। लॉकडाउन का बहुत अच्छा असर है और मतलब कि केसेस कम हो गए हैं लॉकडाउन की वजह से। तो बस इसी तरह से चलता रहे। लॉकडाउन खुलने के बाद भी लोग बाग थोड़ा ध्यान रखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बस यहाँ काव्या सो रही है और मैं अपने काम में लग गई हूँ। मॉर्निंग का क्लीनिंग का काम करना है। और मैंने आप लोगों से इससे पहले के ब्लॉग में भी बताया है कि बारिश होने से पहले अगर क्लीनिंग कर ली जाए तो बहुत अच्छा है। वैसे तो क्लीनिंग होता ही रहता है हमारे यहाँ पर हर 15 दिन में, लेकिन बारिश के पहले जो क्लीनिंग होता है ना उसकी बात अलग रहती है, क्योंकि सारी धूल मिट्टी साफ़ हो जाती है। फिर बारिश के बाद पानी में जो भी ऊपर की धूल मिट्टी होती है ना वो बह जाती है, जैसे जालियों पर धूल मिट्टी लगी रहती है। तो हम मैंने अंदर की क्लीनिंग तो बहुत सारी कर ली है, जैसे बेडरूम क्लीनिंग कर लिया है, आगे का बैठक था वो क्लीनिंग कर लिया है, लेकिन अब मुझे यह आउटडोर क्लीनिंग करना है। और यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है क्योंकि 1 महीने से यहाँ की क्लीनिंग नहीं हुई है, क्योंकि 1 महीने से हम लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया था। बहुत कम में निकल रही थी, जब ज़रूरी काम था ना तभी निकल रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन था, अब ज़्यादा कुछ बाहर का काम भी नहीं था। तो बस यहाँ पर बस झाड़ू वाड़ू लगता था सिंपल सा, बाहर का नीचे का फ्लोर का और जाले वाले, और ये जो धूल मिट्टी ना बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा आज मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि 31 तारीख है, 31 है और मतलब हमारे यहाँ का लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है। 1 तारीख तक का था शायद, हाँ कल 1 तारीख है तो ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब ये जिस दिन ब्लॉग आएगा ना उस दिन हमारा यहाँ का लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। और 31 तारीख तक हमारे को पूरा क्वारंटाइन कर रखा था, मतलब हमारी गली को पूरा बंद कर रखा था, तो वो भी ख़त्म हो चुका है। तो मैंने सोचा आज चलो बाहर निकल के अच्छे से क्लीनिंग कर ली जाए। तो बहुत ज़्यादा इतनी सारी धूल हो रही ना यहाँ पर, इतना सारा गंदा हो रहा था। तो बस ये जो हमारा एसी का जो खोखा रखा था ना वो भी ख़राब हो गया था, एसी का पानी गिर गिर के। मैंने सोचा था बच्चों के लिए कुछ बना लूँगी, तो वो तो बना नहीं, वो तो गल गया। तो उसको ही मैंने एक दिन पहले ही फेंक दिया था, कचरे वाला आया भैया तो उसमें डाल दिया था डिब्बे में। और यहाँ पर मेरा चूल्हा भी है ना ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। ये थर्माकोल की जो वो थी ना वो मैंने रख ली है, काव्या के लिए कुछ खिलौने बनाने में काम आ जाएंगी। लेकिन जो चूल्हा है ना देखिए कितना ख़राब हो गया मेरा, पानी गिर गिर के बहुत ख़राब हो गया। तो उसके ऊपर मैंने ना धामा रख दिया है कि पानी इसी पर टपकता रहेगा, लेकिन इतना पानी निकल रहा है ना अभी, गर्मी में ज़्यादा ही पानी निकलता है, जितनी गर्मी रहती है ना उतना ही ऐसी पानी फेंकता है। तो बस बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा था, तो मैंने सोचा कि धामा रख दे तो थोड़ा बहुत तो कंट्रोल होगा, चूल्हे पर नहीं गिरेगा, क्योंकि चूल्हा और कहीं रख नहीं सकती, जगह नहीं है। अभी गाड़ी हट गई ना तो थोड़ा जगह दिख रही नहीं, तो ये एरिया पूरा भरा रहता है मेरा, ये वाला पोर्शन है ना पूरा सामानों से भरा रहता है। तो बस चलिए कर लेती हूँ क्लीनिंग फटाफट। यहाँ पर दिशा की भी साइकिल रखी है, काव्या की भी साइकिल रखी, सब पे धूल मिट्टी हो रही है। 1 महीने से साइकिलें भी नहीं चली बच्चों की, तो बस इनको भी धूल मिट्टी साफ़ कर देती हूँ। और आज मैंने है ना मास्क नहीं पहना है, ना ही मैंने स्कार्फ बांधा है, बस ऐसे ही कर रही हूँ क्लीनिंग। पता नहीं, डर भी लग रहा कहीं सर्दी वर्दी नहीं हो जाए, लेकिन है ना दम घुटने लग जाता है, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत है, धूप है बाहर। तो मैंने सोचा ऐसे ही कर लेती हूँ फटाफट क्लीनिंग। यहाँ पर आलू प्याज वाले भैया भी आए थे तो आलू प्याज भी ले लिए थे मैंने, तो बाहर ही पटक दिए थे इनको। और एक बात बताओ ना, इस बार मेरा है ना जो स्टोर करने वाला सामान है, जैसे प्याज है, लहसुन है, वो भी भरने में नहीं आया है। अभी 15 जून से पानी गिरने लग जाएगा, तो पानी गिरेगा तो फिर महंगा हो जाएगा सब सामान, और फिर रखने की भी दिक्कत है। तो मैं सोच रही हूँ कि कोशिश कर रही हूँ कि मेरे को है ना लहसुन और प्याज तो मिल जाए, तो हो सकेगा तो मंडी जाऊँगी जब इनके पापा का रेस रहेगा उस दिन। तो बस बाहर का तो पूरा धूल मिट्टी साफ़ हो चुका है और अब धोना है, तो नल आएगा ना तब अच्छे पानी के प्रेशर में काफ़ी अच्छे से धुल जाएगा, तो उसी समय धोऊंगी। हो सकेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि 10:30-11 बजे तक नल आएंगे। तो अभी तो मैं झाड़ू लगा ली थी सब दूर का, और अगर हो सकेगा ना तो शेयर करूँ, क्योंकि बहुत लंबा खिंच जाएगा, नहीं तो फिर मैं फटाफट धो धुआ के हट जाऊँगी। यहाँ किचन का भी थोड़ा बहुत मुझे और व्यवस्थित करना है, क्योंकि थोड़ा फेल ही रहा है यहाँ का भी किचन का। तो ऐसा है ना कि रोज़ जमा और रोज़ फेल जाता है, ये बात है किचन का। तो बस चलिए फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से।
बज रहा है शाम का 4:30, 4:30 बजे ही मेरा शाम का उठने का समय है। दिन का पूरा काम हो गया था, खाना पीना बना बुनो के खा पी के मैं सो गई थी। और यहाँ पर मैं है ना सिंपल सी एक हेयर स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बालों में मेहंदी लगाई थी तो बाल थोड़े से हो रहे हैं, और एक बार और धुलेंगे ना तब बालों में थोड़ा अच्छा शाइनिंग आएगी, और हेयर ऑयलिंग करके फिर धोंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं एक जो पोनी के साथ बन वाली स्टाइल ना वो बना रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिए, अगर हो सके तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। गर्मी के सीज़न में शादी पार्टी में बहुत अच्छी हेयर स्टाइल है। तो बस यहाँ पर चोटी गुथ लेती हूँ, चोटी गुथने के बाद छोटे छोटे से जो बाल हम खींच के निकालते हैं ना वैसे निकाल लेंगे, उससे क्या होता है बाल घने घने दिखते हैं और हेयर स्टाइल भी काफ़ी अच्छी हो जाती है बन वाली। तो यहाँ पर मैं देखिए इस तरह से कर रही हूँ, अगर आप चोटी भी बना रहे हैं तो इस तरह से कर लेंगे ना तो अच्छा अच्छा दिखता है बाल। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कर लिए हैं, उसके बाद इसको मैं जूड़ा बना लूँगी। तो ये बन गया है जूड़ा, और एक क्लिप लगा लिया है बस मैंने, ऊपर खुलेगा नहीं। तो देखिए कितना बड़ा दिख रहा है ना, अभी आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। जिस दिन मैं बनाऊंगी ना स्पेशली हेयर बन, उसी दिन आपको अच्छे से क्लियर बताऊंगी। और यहाँ पर आप चाहो तो इस तरह से या तो मांग वाली हेयर करके बाल साइड में दोनों साइड से, या फिर एक साइड बाल करके और इस तरह से कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं किचन में, चाय बनानी है, और क्योंकि चाय नहीं बनाई थी मैंने, और उनके पापा इन लोग जाएंगे ऊपर का भी जितनी का। तो छत पे जाने का समय हो गया तभी तो चाय पियोगे ना, पिजाओगे ना, तो फिर तो चलिए मैं चाय बना लेती हूँ, उसके बाद ऊपर जाएंगे। और अफगानी स्नो लगाया है मैंने, अच्छी क्रीम अफगानी स्नो। तो चलिए मैं चाय बना लेती हूँ, और चाय के बाद मुझे एक काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाला करना है, कौन सा काम है तो देख लीजिएगा। तो चलिए चाय बना लेती हूँ। और ये मेरा ना आगे पीछे घूमती रहेगी, इतनी धूप है ना अभी छत पे, इतनी धूप है, इसको मैंने क्या बोल दिया कि मैं भी चलूँगी ऊपर छत पे, तो बस पीछे ही पड़ गई है। और मेरे से बोल रही थी मम्मा गोद में उठाओ मुझे, ऊपर बैठाओ ना, तो बस ऊपर बैठा ले। इसको काम बताया मैंने पानी भर के लेके आने का, मैंने कहा पानी भर के लेके आओ मेरे को, फिर बैठाऊँगी वापस से। तो यहाँ पर ये केक बनाया था, केक खा रही है और चाय बना लेती हूँ। तो बस आधी तो आनी मेरी है ना इसकी वजह से टूटती है, ये सोने नहीं देती मुझे दिन में, ऐसे तो खाने के लिए दूंगी ना तो खाएगी नहीं कुछ भी, और जब खाने के लिए नहीं देंगे सोते रहेंगे ना अपन लोग, तो किसी काम में लग रहे हैं तो उसको भूख लगती है। सारे एप्पल इसने निकाले, ये एप्पल कट वो था पेड़, तो सारे एप्पल गिरा दिए हैं, और ये जो किसी किसी एप्पल के तो इसने है ना ऊपर का निकाल दिया है। तो बस मैंने कहा किचन में लगा लेती हूँ इसको, ये बैठक रूम में लग रहा था। तो केक के पीसेस करके रख देती हूँ, क्योंकि पीसेस होंगे ना तो खाने में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये है मेरा चूल्हा, मेरा जो ख़राब हो गया था ना इसको मुझे सही करना है, क्योंकि बारिश आ जाएगी ना तो फिर इसमें नमी भर जाएगी, तो ये सूखेगा नहीं, मतलब नमी रहा करेगी ना, धूप नहीं रहेगी तो सूखेगा नहीं। तो मैं सोची इसको तैयार करके और इसको रख लेती हूँ, और अभी बस एसी थोड़ी दिन चल रहा है, उसके बाद तो एसी बंद ही हो जाएगा, तो पानी गिरना भी बंद हो जाएगा इसके ऊपर। और यहाँ पर ये चूल्हा तैयार हो जाएगा ना, तो इस पर जब चाहे तब मैं रोटी बना सकती हूँ। वैसे तो चूल्हा एक छत पे भी रख रखा, लेकिन थर्ड फ्लोर से नीचे कौन लाएगा, क्योंकि वो बहुत हेवी चूल्हा है, वो भी मैंने ही बनाया था मटके से। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा काम है हो जाएगा, तो मैं चाय चढ़ा के आ गई थी लो फ्लेम पर बिल्कुल, और मैंने कहा जब तक मेरा ये चूल्हा बन जाएगा, लेकिन ये ऐसा है कि गिरता जा रहा है, इसका मिट्टी जो है ना वो गिरती जा रही है। वो इसलिए गिर रही है क्योंकि इसको मैंने जो ऑयल का डिब्बा होता है ना लोहे का, उसके ऊपर बनाया है। तो इससे पहले के व्लॉग में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप चूल्हा बना सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया था चूल्हा बनाना। तो यहाँ पर मटकी पे भी मैंने बनाया, अगर आप लोग कहोगे ना मटकी पे किस तरह से बनाते हैं तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, छोटी सी मटकी पे, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा तो ही मैं आप लोग को बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए है ना जितनी मिट्टी गिरी ना उतनी मैंने हटा दी है, बाकी का वापस से मैंने मिट्टी लगा के अच्छे से इसको और बना लेती हूँ, फटाफट बन जाएगा। अभी तो मैं इसको थोड़ा सा बना रही हूँ, मतलब शेप दे रही हूँ, क्योंकि शेप इसका बिगड़ गया है। फाइनली मैं कल वापस से इसको रिपेयर करूँगी, अच्छे से बनाऊँगी। तो बस चलिए कर लेती हूँ फटाफट चूल्हे का काम भी, तब तक मेरी चाय भी बन जाएगी। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसको चढ़ा दी है, मैंने कहा ये चूल्हा तैयार होगा तब तक मेरी चाय बन जाएगी। Thank you.
बस मेरा चूल्हा हो गया तैयार और इसको थोड़ा और अच्छे से चिकना मैं कल करूँगी। तो यहाँ पर मैं चूल्हा बना के हटी थी कि एकदम चिल्ला चोट की आवाज़ आने लगी बाहर, क्योंकि किसी गाड़ी से बच्चा टकरा गया है और अब यही काम होंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारी गली में इतनी तेज़ी स्पीड में गाड़ी चला के लाते हैं और बच्चे खेलते रहते हैं। तो बस यहाँ पर चाय भी बन गई है देखिए हमारी, और बस अब चाय पियेंगे हम लोग। आप लोग भी आ जाइए शाम की, इवनिंग की चाय पीने, केक के साथ में चाय। और आप लोग का आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में। बस अब बारिश का सीजन कब शुरू हो जाएगा पता नहीं, और फिर वही रिमझिम झिम बारिश गिरती रहेगी और कहीं जगह तो मूसलाधार भी गिरेगी, तो बारिश से भी सब लोग परेशान हो जाएंगे। अभी तो गर्मी से सब लोग परेशान हैं। तो चलिए चलते हैं, चाय पीते हैं और केक खाते हैं।